और अगर सुकून चाहिए, अमन चाहिए और अमने आलम को इस्लाम का ये पैगाम आम करना चाहिए, तो मेरे आज का खुलासा यही रहा कि इस्लाम का पैगाम अमन आलम के नाम, आलम के नाम इस्लाम का पैगाम अमन है। ये पांच चीजों की हिफाजत किया करो, और इन्हीं को अगर हम खुलासे के तौर पर कहना चाहे तो कहेंगे हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद। इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون برادران اسلام پردہ نشین خواتین ملت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 یعنی 90 پڑھی ہے مفسرین نے اس آیت کے تعلق سے یہ لکھا ہے اجمع آیت فی القرآن قرآن کی جامع ترین آیت ہے یعنی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مامورات کو تمام منہیات کو داخل فرمایا جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام تعلیمات اسلامی کا خلاصہ بیان کیا اس آیت میں انسان کی فلاح اور بہبود اس کی کامیابی اور کامرانی کی باتیں ہیں اس آیت میں امن سکون چین اور معاشرے کی بہترین فلاح اور بہبودی کی ضمانت ہے اس آیت میں امن عالم اور اسلام کا پیغام ہے تو آئیے اس آیت کا ترجمہ معلوم کر کے امن عالم اور اسلام کا پیغام معلوم کرتے ہیں حاضرین اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین باتوں کا حکم دیا اور تین باتوں سے منع فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کس کس چیز کا حکم دیتا ہے یأمر بالعدل عدل کا حکم دیتا ہے
वल एहसान, दूसरी चीज एहसान का हुक्म देता है। तीसरी चीज वईताई दिल कुर्बा, रिश्ते नाते को जोड़ने का हुक्म देता है। और अल्लाह ताला तुम्हें तीन बातों से रोकता है, वयनहा अनिल फहशा, फहाशी और यानी बेहयाई, बेहयाई की बातें, बेहयाई के चाल चलन, अखलाक व किरदार, जिस्म की नुमाइश, नंगी नाच, इन सारी बातों से इस्लाम रोकता है, अल्लाह ताला तुम्हें मना करता है। वयनहा अनिल फहशा वल मुनकर, और दूसरी चीज जिससे अल्लाह रोकता है, मुनकर से रोकता है। मुनकर क्या है? अहले इल्म ने लिखा है, मा अनकरत अलैहि शरीआ, शरीयत ने जिस पर नकीर की है, शरीयत ने जिस पर कदगल लगाई है, शरीयत ने जिससे मना किया है, शरीयत ने जिस पे इनकार और नकीर की है, उसको मुनकर कहा जाता है। ये सारे गुनाह और मासियत इसके अंदर आ गई है। वयनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग, और जुल्म और ज्यादती से अल्लाह ताला तुमको रोकता है, हर तरह के जुल्म, खालिक के हक में जुल्म से तुम्हें रोकता है, और वो है शिर्क। इन्ना शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, मखलूकात के हक में जुल्म से तुम्हें रोकता है। और मखलूकात के बारे में तीन तरह का जुल्म होता है, मखलूकात के जिस्म जान पर भी जुल्म होता है, उसके माल पर जुल्म होता है, उसकी इज्जत आबरू पर भी जुल्म होता है। इन तीनों तरह के जुल्म से अल्लाह ताला तुमको रोकता है। अब बताइए कोई और बात बाकी है? सारी की सारी बातें आ गई हैं इस आयत को, इसीलिए उलेमा ने लिखा अजमा आया। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं और तफसीर सादी में शेख सादी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें सारी तालीमात इस्लामी को दाखिल कर दिया है। हाजरीन, इस्लाम का पैगाम अमन दुनिया वालों के नाम आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हाजरीन, आज की दुनिया परेशान है, हैरान है, हर एक को परेशानी है, टेंशन है, चाहे वो एक छोटे से छोटे घर की बात हो या किसी मुल्क की सतह पर बात हो, आलमी सतह की बात हो, कहीं जंगें हैं, गजवात हैं, महंगाई है, हाकिमों की जुल्म ज्यादती है, अपनों की जुल्म ज्यादती है, रिश्ते टूट रहे हैं, एक दूसरे पर जुल्म ज्यादती है, अल्लाह के हक तलफी हो रही है, हुकूकुल इबाद में कोताही हो रही है, माल बर्बाद किया जा रहा है, इज्जत आबरू के नामूस को पामाल किया जा रहा है, इंसान परेशान हाल है। आलम इस्लाम ही नहीं, आलम इंसान को, सारी दुनिया को अगर अमन चाहिए, सुकून चाहिए, चैन चाहिए, इस्लाम की इन बातों पर अमल पैरा हो जाओ। हाजरीन, इस्लाम ये कहता है और सारी तालीमात इस्लामी का खुलासा अहले इल्म ने यह भी लिखा है कि इंसान की पांच चीजों की हिफाजत, इंसान की पांच चीजें महफूज तो इंसान महफूज, इंसान की पांच चीजों की हिफाजत हो जाए, इंसान चैन और सुकून की सांस लेता है। जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में, जिस मुल्क में, जिस दुनिया में, जिस जगह पर, जिस घर में, जिस मकान में और जिस दुकान में, जिस कारोबारी जगह पे, जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में, जिस तालीमी इदारे में, इन पांच बातों की हिफाजत हो, याद रखिए वहां पर सुकून अंदाज में हर चीज चलती रहेगी। पांच चीजों में से किसी एक में परेशानी, प्रॉब्लम और हक तलफी हो, उस वक्त इंसान तिलमिलाता है, परेशान होता है, उसकी हिफाजत के लिए वो आगे बढ़ता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, और यहां तक बात नौबत आ जाती, हथियार उठा लेता है, जान की परवाह उस वक्त नहीं करता है। क्यों? हमने ये माहौल बनाया है। इस्लाम कहता है पहले इंसान की इन पांच चीजों की सिक्योरिटी और उनकी हिफाजत तुम फराहम किया करो। देखो, समाज, सोसाइटी, माशरा, इंसान हर एक सुकून के साथ रहेंगे। वो पांच चीजें क्या हैं? हाजरीन याद रखें, इंसान की इन पांच चीजों की हिफाजत ये है, और मैं इस्लाम नहीं कह रहा हूं, मुसलमान नहीं कह रहा हूं, इंसान कह रहा हूं, इंसान, हर इंसान की इन पांच चीजों की हिफाजत के इस्लाम तालीम देता है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और ये एक बहुत बड़ा दावा है
कि इन पांच चीजों में अमन आलम है, इस्लाम का खुलासा है। इस दावे को मैं दलील से मुदल्लत करूंगा इंशाअल्लाह मुस्तआन। पहली चीज, इंसान की जान की हिफाजत, इंसान की जान की हिफाजत। जान सही सलामत है तो सब कुछ है, जान ही नहीं है तो क्या फायदा है। अब इंसान अपनी जान की हिफाजत के लिए जान देने तैयार होता है, कुछ भी करने तैयार होता है। हाँ, बिल्ली को कुत्ता भगाते हुए ले जाता ले जाता ले जाता है, बिल्ली भागते 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 आखिरकार कोई चारा नहीं है, भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अब क्या करती है? कसिन नौरिल मगलूब यसूनु अलल कल्ब। उस मगलूब बिल्ली की तरह है, जब उसके सामने सारे रास्ते मसदूद हो जाएं, अब वो पलट के वार करती है, हमला करती है। ये नहीं देखती है मैं कमजोर हूं, बदहाल हूं, मेरे पास हथियार ताकत असबाब असाइल है या नहीं है। अब करो या मरो, डू आई डार का मतलब है, करो या मरो, यही मामला, यही नौबत आ जाती है, ये माहौल बनाया जाता। कुत्ते ने ये माहौल बनाया है, तब जाकर बिल्ली ने अपनी हिफाजत के लिए अपने चुंगल को उठाया है। याद रखिए मेरे भाइयों, आप इस माहौल को समझिए। दूसरी चीज, इंसान के माल की हिफाजत। इंसान जान की हिफाजत के बाद कमाता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, और वो चाहता है कि उसके माल महफूज हो। अगर उसके माल पे कोई गलत तसरुफात करें, कोई डाका डाले, चोरी करें, जुल्म ज्यादती से माल को वसूल करें, वो तिलमिलाता है, परेशान होता है, हैरान होता है, याद रखिए माशरा तबाही की तरफ जाता है। मैं इन बातों की वजाहत इंशाअल्लाह करूंगा। तीसरी चीज, इंसान की नस्ल, उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत। इंसान की नस्ल उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत है। जब उसकी इज्जत और आबरू पर आंच आती है, कोई उंगली उठाता है, उसकी नस्ल पे कोई हमला करता है, इंसान तिलमिलाता है, परेशान होता है और सोचता है अब इसकी हिफाजत करनी है, हिफाजत करनी है। आगे बढ़े, चौथी चीज, इंसान की अकल की हिफाजत। इंसान की अकल की हिफाजत। इस्लाम ये कहता है शराब मत पियो, हाँ, नशा मत किया करो, हद से ज्यादा गुस्से में कोई फैसला मत किया करो, जल्दबाजी में कोई काम ना किया करो, किसी की अदावत और नफरत और हसद और बुग्ज में गलत फैसला मत करो, क्योंकि दिमाग ठिकाने पे नहीं है। बच्चा कोई फैसला ना करें, याद रखिए यहां तक इस्लाम कहता है, भूख लगी हुई है, शिद्दत भूख में काजी फैसला ना करें, मुफ्ती फतवा ना दे, इसलिए कि हो सकता कि उस वक्त तुम्हारे दिमाग मुकम्मल तरीके से काम नहीं कर रहा है, नाइंसाफी हो जाए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह बिहम्दिही अदद खल्क़िही वरिदा नफ्सी वज़िनत अर्शी वमिदाद कलिमाती। अल्लाह ताला ने क्या बेहतरीन तालीमात दी है हाजरीन। फिर इसी तरह से पांचवी और आखिरी चीज, जिसके लिए इंसान को अल्लाह ताला ने जान दिया, माल दिया, इज्जत दिया, नस्ल दिया, आबरू दिया और उसकी अकल दिया, वो है उसके दीन और ईमान की हिफाजत। दीन और ईमान की हिफाजत, जब इंसान के दीन और ईमान की हिफाजत ना हो, उसके दीन और ईमान पे आंच आए, हर्फ आए और उसमें लगता है कि अब इसमें बर्बादी आ सकती है, मेरे दीन और ईमान की हिफाजत नहीं हो सकती है, तब इंसान तिलमिलाता है, माशरे में तबाही और बर्बादी आती है। इसीलिए इस्लाम ये कहता है इंसान की इन पांच चीजों की हिफाजत करो। हाजरीन, इंसान जिसके बारे में इस हिस्ट्री के जो मौजिद हैं, फलसफाए हिस्ट्री, फलसफाए तारीख, यानी जिसको हिस्ट्री का फिलासफर कहा जाता है, इब्ने खल्दून, उन्होंने लिखा है अल इंसान मदनियुम बितबा। इंसान फितरी तौर पर वो मदनी है, यानी मुआशराती मखलूक है, यानी उसको सोसाइटी चाहिए, समाज चाहिए, अकेला इंसान जी नहीं सकता है, पागल हो जाएगा, या उसको पागल खाने में ले जाके डालना पड़ेगा, या उसको जंगली कहा जाएगा। इंसान वो है जो सोसाइटी में, समाज में जीता है, और सोसाइटी और समाज में रिश्तेदार और अकारिब होंगे, हर तरह के लोग होंगे, हाकिम महकुम होंगे, छोटे बड़े होंगे, गरीब मिस्कीन फकीर मोहताज मालदार ओहदेदार सब होंगे, हर तरह के लोग होंगे, और इन सब के साथ मिलके चलना, सबको साथ में लेकर चलना, यही इंसान होता है। और अगर किसी से कुछ हुआ
कट गए, रूट गए, चले गए, तो याद रखिए वो इंसान को समाजी इंसान नहीं कहा जाता है। हाजरीन, जब समाज में हम होते हैं तो समाज में हमें इन बातों की जरूरत भी पड़ती है कि समाज में हमारी इन पांच चीजों की हिफाजत हो। आइए, इस्लाम ने इन पांच चीजों के बारे में जो कहा है, पहले मैं दलील दिए देता हूं कि इन पांच चीजों की हिफाजत के बारे में इस्लाम ने जो कहा है, फिर उसके बाद एक एक करके उसकी वजाहत होगी। उससे काफी बड़ा मौजू है, बहुत वसी मौजू है। आमतौर से मेरा मौजू काफी वसी होता है, आप इसमें जाएं, गौर करें, मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, आप इसमें इसको लेके आगे बढ़ें। और ऐसे मौजूआत है जिसमें कई दिन तक सेमिनार चलाया जा सकता है, ऐसे मौजूआत है, वक्त की जरूरत है और सुलगता हुआ टॉपिक है मेरे भाइयों। ये गोया के बर्निंग टॉपिक इसको कहा जाता है, वक्त की पुकार है, वक्त की आवाज भी है, वक्त की जरूरत भी है, वक्त की ललकार भी यही है। हज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इब्ने मसूद रावी हैं, ला यहिल्लु दमु इम्रिम मुस्लिम, एक मुसलमान आदमी का खून हलाल नहीं है, उसका खून हलाल नहीं, उसको खून नहीं कर सकते हो। हां, अगर तीन काम कर दें मुसलमान का खून हलाल होता है। ये तीन क्या क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे हदीस में फरमाया, इल्ला बि इहदा सलास, मगर तीनों में से कोई एक काम करें तो उसकी जान अब हलाल हो जाती है, उसका खून अब हलाल हो जाता है। काजी वक्त को, हाकिम वक्त को इख्तियार होगा कि ऐसे मुसलमान को कत्ल करें। कब? ये तीन काम याद रखिए, माशरे के जो पांच बातें हैं, पांचों में से तीन का जिक्र इसी एक हदीस में है। फरमाया, अस्सय्यिबु ज़ानी, शादीशुदा इंसान अगर जिना करें, शादीशुदा इंसान मर्द ख्वातीन अगर जिना करें, तो उनको नतीजे में संसार करके हलाक कर दिया जाएगा। ये इंसान की नस्ल, उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत है। हर आदमी सोचे, आप सोचते होंगे इस्लाम का बहुत ही खतरनाक एक कानून है, हर आदमी सोचे अगर मेरी अल्लाह हिफाजत फरमाए कि मेरी बहन बेटी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे और उसके साथ कोई जुल्म ज्यादती करे, आप क्या कहेंगे? दो चार गालियां देकर कहेंगे उसको मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। हा? इस्लाम ही कहता है तुमने जिना करते वक्त सारे जिस्म से लज्जत लिया है, सजा वैसे ही भुगतना है। संसार करो, मारो, सारे जिस्म को तकलीफ दे देकर उसको हलाक करो। और यह भी कहा कि अकेला नहीं, बंद कमरे में नहीं इसको हलाक करना है, बल्कि एक जमात के सामने, ताकि इबरत हासिल हो। और दुनिया गवाह है, आज तक दुनिया गवाह है, देख रही है कि वो मुल्क जहां पर इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी कवानीन है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर ऐसी बातों के रेशो ना के बराबर हैं, और जहां पर नहीं है आए दिन इतने केसेस से दुनिया उसको जानती है। दूसरी चीज फरमाया, और नफ्स बिन नफ्स, एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दें तो कत्ल के बदले में कातिल को कत्ल किया जाएगा। ये इंसान की जान की हिफाजत, इंसान की जान की हिफाजत है। और उसके बाद कहा तीसरी चीज, व तारिक ले दीनी, अपने दीन से एराज कर ले, मुर्तद हो जाए, दीन में आओ जबरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में आने के बाद तुम्हें अमल करना है। दीन में आए, कल मुर्तद हो गए, परसों फिर दीन में आए, फिर मुर्तद हो गए, मजाक बन के रह जाएगा। दीन की हिफाजत जरूरी है, इसीलिए कहा कि दीन में आने के बाद कोई मुर्तद हो जाए, इसकी हिफाजत है, दीन की हिफाजत है। पांच में से तीन की दलील एक हदीस में मिल गई है। उसके बाद आई इंसान की माल की हिफाजत। इंसान की माल की हिफाजत के ताल्लुक से शरीयत ने यह कहा, डाकू डाका डालता है, दिन धाड़े में वो चोरी करता है, डाका डालता है, इंसान को, वो इंसान के माल को बर्बाद करता है, लूटता है। तो इस्लाम ने कहा ऐसे आदमी की सजा, उसको कत्ल करो। अल्लाह ताला ने सूरह माईदा में फरमाया, आयत नंबर 33 में, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलह, यकीनन उन लोगों का बदला
जो अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग करें, ये दीन की हिफाजत की बात है। वह यसाउना फिल अर्द फसादा, जमीन में फितना फसाद मचाएं, खून खराबा करें, चोरी करें, डाका डालें, अयुकत्तलू, इसको उनको कत्ल कर दिया जाए। तो कत्ल की ये जो तालीम दी गई क्यों? ताकि वो इंसान के माल से खिलवाड़ ना करें, माल की हिफाजत करें। और इसी तरह से चोर के हाथ काटने के लिए कहा, अल्लाह ने फरमाया वस्सारिक वस्सारिकतु फक्तौ अयदीहुमा, चोर चोरी करने वाला मर्द हो, चोरी करने वाली औरत हो, दोनों का हाथ काट दो। क्यों? इसमें क्या है? जज़ा अंबिमा कसबू, जो उन्होंने किया है उसका बदला भी है। वह नकाल मिन अल्लाह, और अल्लाह की तरफ से ये इबरत है। कल के दिन कोई सोचेगा मैं चोरी करूं तो मेरा भी हाथ काटा जाएगा, मैं जिना करूं मुझे भी संसार किया जाएगा, मैं डाका डालूं तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा, मैं कत्ल करूं मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा, मैं दीन के जरिए से खिलवाड़ करूं, मजाक बना लूं तो मेरा भी हशर यही होगा। इस तरह से याद रखिए मेरे भाइयों, इंसानी समाज में हर एक दूसरे के माल, इज्जत, अबरू, आबरू, माल, जान, दीन, ईमान, अकल, नस्ल, हर चीज की हिफाजत करेगा, और सोसाइटी और समाज और माशरा पुरसुकून तरीके से गुजरता जाएगा। हाजरीन, आइए हम एक एक करके इन बातों को मालूम करते हैं। पहली चीज, इंसान की जान की हिफाजत। शरीयत ने सिलसिले में बहुत कुछ कहा, और इस्लाम ने इंसान की जान को जो कदर व कीमत दी है किसी मजहब ने नहीं दिया है, किसी मजहब ने नहीं दिया है। इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ी करामत और शराफत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने इंसान की इज्जत की है, इंसान का अदब एहतराम का हुक्म दिया है, उसकी जान की बड़ी कदर व कीमत करार दिया। चुनांचे इस्लाम ने इनफरादी तौर पर यह कहा कि देखो, अपनी जान की हिफाजत करो, अपनी सेहत की हिफाजत करो, और उसके लिए बुनियादी तालीम ये दी। और इस्लाम की इस तालीम के बारे में अतिब्बा ने लिखा, डॉक्टरों ने लिखा है कि इंसान की सेहत की हिफाजत का राज, सारे के सारा राज इसी आयत में है। अल्लाह ने फरमाया, सूरह आराफ की आयत है, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर हद से ज्यादा खाओ पियो मत, खाओ पियो लिमिट से खाया पिया करो, हद से ज्यादा खाओ पियो मत, क्योंकि हद से ज्यादा खाया पिया करोगे तुम्हारे जिस्म को और जान को नुकसान हो सकता है। फिर इस्लाम ने यह तालीम दी कि कुलू मिन तय्यिबात, पाकीजा चीजों में से खाया करो, और यह भी कहा कि कुलू हलालन तय्यिबा, पाकीजा और हलाल चीज खाया करो, नापाक और हराम चीज खाओगे उसकी वजह से तुम्हारे जिस्म जान को नुकसान होगा। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह से खुदकुशी से मना किया, अल्लाह ने फरमाया, सूरह निसा की आयत है, वला तक्तुलु अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, तुम हालात से हार के खुदकुशी करना नहीं है, याद रखो तकदीर पर तुम्हारा ईमान होना चाहिए। इस्लाम ये कहता है इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल जान की हिफाजत, इज्तिमाई तौर पर जान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरमाया सूरह माईदा आयत नंबर 32, हाबिल और काबिल का वाकया बयान करने के बाद दुनिया का पहला कत्ल हुआ हसद की वजह से। हाँ, दुनिया का पहला कत्ल हुआ हसद की वजह से, रुई जमीन पे पहला गुनाह हुआ, आसमान पे पहला गुनाह हुआ हसद की वजह से, और वो है अबलीस ने आदम पे हसद किया है। याद रखिए मेरे भाइयों, इस कत्ल के वाकये के बाद, दुनिया के पहले कत्ल के वाकये के बाद अल्लाह ने क्या तालीम दी है? फरमाया, من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا, जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया, मुसलमान नहीं कहा, एक नफ्स को कत्ल किया बिला वजह, बिला वजह, ना उसने जिसको कत्ल किया, ना उसने कत्ल किया, ना वो कातिल है ना वो फसादी है, फिर भी बिला वजह किसी एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। एक इंसान की जान बचा लेना सारी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। बताओ कौन से मजहब में यह तालीम है? कौन से मजहब में यह तालीम है? यह सिर्फ इस्लाम देता है, इस्लाम देता है। इस्लाम यह नहीं कहता है कि जानवरों की वजह से इंसान की जान ले ली जाए, जानवरों की वजह से इंसान की जान ले ली जाए। याद रखिए मेरे भाइयों, इंसान
اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ نے ان کے فائدے کے لیے کائنات ارض و سما کی ہر چیز کو بنایا ہے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے انسان کی بڑی قدر و قیمت اسلام نے دی ہے اور اس کے لیے اس کی جان کی حفاظت کے لیے کہا کہ دیکھو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَات تمہارے لیے قصاص میں بدلہ یہ جو ہے نا اس میں زندگی ہے آدمی سوچے گا زمانے جاہلیت میں ایک آدمی کا قتل ہوتا 100 آدمی کو قتل کر دیتے اسلام نے کہا کہ نہیں جس نے قتل کیا قاتل کو صرف ایک اب اس کے بعد اس سے عبرت کیا حاصل ہوگی اگر میں بھی قتل کیا کل کے دن میری بھی جان جائے گی اس کی حفاظت ہوگی جان کی حفاظت ہوتی ہے اور اس سلسلے میں اسلام نے یہاں تک کہا جب ایک مسلمان سے جنگ کے میدان میں ایک دوسرے غیر مسلم اس کو بھگاتے ہوئے لے کے جا رہے تھے مسلمان اور اس نے اس موقع پر کلمہ پڑھ دیا اس کے باوجود مسلمان نے قتل کر دیا جنگ کے حالت کی بات ہے آج کے جو جنگ کرنے والے حالتوں میں جنگ میں ہیں اور نہتے عورتوں کا بچوں کا بوڑھوں کا اور جو عبادت گزار ہیں اس سے ان کا قتل عام ہو رہا ہے اور اسی طرح سے ہاسپٹلوں میں زیر علاج بیماروں پر بمباری ہو رہی ہے یاد رکھو اسلام یہ کیا کہتا ہے اسلام نے تمہیں کتنے سے پیغام دیا تمہاری حفاظت کی ہے کئی موقع پر تمہاری حفاظت کی ہے اسلام یہ کہتا ہے جو عبادت گاہوں میں ہیں ان کو قتل نہیں کرنا ہے عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے جو قتل کرنے کے لیے نہ آئے ان کو قتل نہیں کرنا ہے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیو اور جو ہتھیار ڈال دیں سرنڈر ہو جائے ان کو قتل نہیں کرنا ہے تو جب وہ انسان ہتھیار ڈال کے کلمہ پڑھ لیا پھر بھی انہوں نے قتل کیا اللہ کے رسول کو جب پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے تھے حلا شققت قلبہ حلا شققت قلبہ کیا تم نے اس کے سینے کو چیر کے دیکھا سینے کو چیر کے دیکھا کہ اللہ کے رسول وہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑا ہے نبی نے کہا تم نے ان کے سینے کو چیر کے دیکھا ہے موت کے ڈر سے کہ اللہ پر ایمان رکھا ہے ہم صرف ظاہر کے ذمہ دار ہیں اللہ اکبر یہ جنگ کے میدان کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنگ کے میدان میں عورت کی لاش آپ آگ بگولے ہو گئے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے اور یاد رکھو خبیب بن عدی ابھی ان کی پھانسی کی تیاری چل رہی ہے پھانسی پہ لٹکانے والے ہیں گھر اور قید خانے میں ہیں کہا کہ آخری آرزو کیا استرا دے دو جسم کے زائد بال صاف کر لیتا ہوں استرا لے لیے گھر کا چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا چلے چلا گیا اور حضرت خبیب بن عدی نے گود میں بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد جب گھر کی مالکن نے دیکھا کہ ابھی ہمارے قیدی کی پھانسی کی تیاری چل رہی ہے اس کے ہاتھ میں استرا ہے اور میرا ننا منا پیارا سا بچہ اس کے گود میں ہے اب تو یہ بخشے گا نہیں چیخ اٹھی خبیب بن عدی نے کہا بہن خاموش ہو جاؤ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ بچوں سے انتقام لو ہاں بچوں سے انتقام ہم نہیں لیتے ہیں خبیب بن عدی چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے اس بچے کے ذریعے سے کہا کہ نہیں یہ لو تمہارا لاڈلا تمہارا منا بچہ آیا ہے کھیلنے کے لیے عقل کا کچا اس کو کیا پتا ہے اسلام کی تعلیمات ہے میرے بھائیو اسلام جان جانوروں کی جان کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے بلی کو خامہ خامے باندھ کر رکھنے والی خاتون کے بارے میں کہا کہ وہ جہنمی ہے کتے کو پانی پلانے والی خاتون کے بارے میں کہا کہ وہ جنتی ہے اللہ اکبر فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھیے 20 ہجری کی بات ہے یہ مصر کو فتح کی عمر بن عاص جب ٹینٹ لگا ایک جگہ پر کئی دنوں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہاں پر ٹینٹ کو اٹھانے کی باری آئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے ٹینٹ میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنایا اور اس میں انڈا بھی اس نے ڈال دیا ہے کہ اچھا کیا کریں اکھاڑیں اس کو ٹینٹ کو نکالیں کہا کہ نہیں ہمارے مہمان کو چھوڑ دو اللہ اکبر سبحان اللہ یہ اسلام کا پیغام ہے جان کی حفاظت کے لیے اور میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اسلام اکیات ابن مسعود راوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے قیامت قائم ہونے والی ہے 2-4 گھنٹہ تمہارے پاس ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے لگا دو شجر کاری کرو معاشرے کو اتنا فائدہ پہنچا دو سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ وصلی اللہ علی نبینا محمد حاضرین یہ اسلامی تعلیم ہے اور میں آپ کو کیا کیا بتاؤں وقت ناکافی ہے یہ جان کی حفاظت کی بات تھی آئیے مال دوسری بات انسان کی مال کی حفاظت مال محفوظ ہو انسان پریشان نہیں ہوتا جان محفوظ ہو انسان پریشان نہیں ہوتا ہے مال کے تعلق سے اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ مال یہ دو دھاری تلوار ہیں
दो धारी तलवार, उलमा ने हिकमत ये निकाली, इसको कहते हैं अरबी में दीनार, दीन प्लस नार, दीन प्लस नार दोनों मिलाकर दीनार है। इसका सही इस्तेमाल करो दीन है, गलत इस्तेमाल करो नार है। हाँ, ये अल्लाह ताला ने ये जो दौलत दिया है इंसान की फितरत में उसकी मोहब्बत तो है। زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ। इंसान की फितरत में हमने माल दौलत की मोहब्बत रख दी है, ये दुनिया के साजो सामान है, आखिरत में अल्लाह के पास हुस्न मआब है, उसकी तैयारी करो, इस दौलत के जरिए से आखिरत की तैयारी किया करो। माल की मोहब्बत है, अल्लाह ने कहा माल कमाओ, हलाल तरीके से माल कमाया करो, भले तरीके से तुम उसको तलब करो, हराम रास्ते से बच जाओ। और इसी के जिम्न में इस्लाम ने यह कहा कि देखो माल का मकसद क्या है, बेहतरीन हदीस है, बेहतरीन हदीस सुन ले। मुसनद अहमद और इसी तरह से सिलसिला सहिया की रिवायत है, मुसनद अहमद की हदीस नंबर 21906 है, 21906 हदीस नंबर है। अल्लाह ताला कहता हदीस कुदसी, प्यारी हदीस है, इन अल्लाह अज़्ज़ा वजल कौल, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ये कहता है, इन्ना अनज़लनल माल, हमने माल को नाजिल किया है, इन्ना अनज़लनल माल, हमने माल नाजिल किया क्यों, ली इकामिस सला व ईताइज़ ज़का। क्या बड़ी बात है, माल के जरिए नमाज की इकामत करो, नमाज की हिफाजत करो। लोग कहते हैं फुर्सत नहीं नमाज पढ़ने के लिए, कारोबार में मसरूफ, तिजारत में मसरूफ, ड्यूटी में मसरूफ, मुझे नमाज पढ़ने के लिए मौका नहीं, फुर्सत नहीं है। दुनिया कमाना, अल्लाह ने कहा कि हमने माल नाजिल किया नमाज कायम करने के लिए, और माल कमाने जा रहे हो नमाज बर्बाद करते हुए, कहां से अल्लाह को जवाब दोगे, कहां से अल्लाह को जवाब दोगे। वो इताई जका, जकात अदा करो, गरीब का हक अदा करो, सदका तो खैरात करो, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ने कहा कि हमने नाजिल किया इसके लिए, और तुम कह रहे हो कि हमें फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। प्यारी हदीस है, और कहा कि देखो इंसान की फितरत यह है, उसके पास एक वादी एक वैली भर के सोना हो, वो चाहेगा कि मेरे पास दूसरा तीसरा चौथा भी हो। याद रखें अपने हिर्स हवस को कंट्रोल करें, माल के जरिए से आखिरत की तैयारी किया करें, इसी में फायदा है। और माल की हिफाजत के लिए इस्लाम ने यह कहा, धोखा मत दो, चोरी मत करो, डाका मत डालो, सूदी कारोबार मत किया करो, हराम तरीके से माल कमाया मत किया करो। और एक बुनियादी उसूल और ज़ाबिता याद रखो, अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा की आयत नंबर 5, वला तुतु सुफा अमवालकुम, तुम अपने वो माल, अमवालकुम अल्लती जअल अल्लाह लकुम क़ियामा, वो माल जिस पर अल्लाह ने तुम्हारी बुनियाद रखी है, तुम्हारी सारी जिंदगी का इन्हिसार उसी पे है, सारा कैपिटल तुम्हारा वही है, सारा सरमाया वही है, सारा कैपिटल सरमाया उठाकर किसी आयरे गैरे नतु खैरे के हवाले मत किया करो, मत किया करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम माल की हिफाजत किया करो। हर आने वाला ने कहा मैं इतना प्रॉफिट दूंगा, ये करूंगा, और कसमें खाकर रस्में निभा निभा कर टोपी दाढ़ी जमात उलमा इकराम का नाम लेकर आपको लुभाया है, और हम भी उस जाल में फंस गए हैं। याद रखो हर आयरे गैरे नतु खैरे के हवाले माल हवाले नहीं करना है, आपकी माल की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, और न कल के दिन आपको पछताना पड़ेगा। फिर यही माल में जब परेशानी प्रॉब्लम आता है तो उस वक्त इंसान तिल मिलाता है। हाजरीन, इसी तरह से इंसान की तीसरी चीज जिसकी हिफाजत की तालीम इंसान को दी गई है, और वो है कि इंसान की नस्ल इज्जत और आबरू की हिफाजत, और उसी के लिए जिनाकारी, जिना को हराम करार दिया, बेहयाई और यानी को हराम करार दिया, गीबत चुगलखोरी को हराम करार दिया, किसी की इज्जत और आमुस नामुस को पामाल करने से मना किया गया है। याद रखिए, इसलिए कि जब इंसान की इज्जत और आबरू पे हमला होता है, और उनके खवातीन और उनके मानो नामुस और उनके मुहर्रमात के साथ छेड़खानी होती है, इंसान तिल मिलाता है, माशरे में तबाही और बर्बादी आती है। इसीलिए शरीयत ने इन सारी बातों पर कदम लगाई है जो जिना तक पहुंचाए, गाने बजाने म्यूजिक और इसी तरह से नीम बरहना लिबास और ड्रेस, इन सारी बातों को जिनाकारी को हराम करार दिया है, ताकि इंसान की इज्जत और आबरू की हिफाजत हो।
फिर इसी तरह से इंसान पांचवी चीज इंसान चौथी चीज इंसान की अकल की हिफाजत। इंसान इंसान है उसकी अकल की वजह से। अकल जो नहीं है वो इंसान नहीं है, वो जानवरों की तरह है, उससे भी गया गुजरा हो जाता है। अच्छा भला इंसान, अच्छा भला इंसान था, शराब पी लिया, अकल ठिकाने पे नहीं है, शराब पी के किसी मोले में कोने में पड़ा हुआ है, कुत्ता आता है टांग उठा के उसके मुंह में पेशाब करता है। बताओ कि ये अशरफुल मखलूकात जानवरों से बदतर हुआ क्यों हुआ? उसके अकल जब माऊफ हो गई, अकल जब ठिकाने पे नहीं है, इसीलिए अब वो बर्बाद हो गया। इसीलिए कहा कि देखो तुम शराब मत पिया करो, शराब उम्मुल खबाइस है, मुनशियात जितने हैं, चाहे वो बीड़ी सिगरेट पान परा गुटखा जर्दा और जितने मुनशियात ड्रग्स हो, और इसी तरह के जितने शराब और अकल को माऊफ करने वाली चीजें हो। नबी ने फरमाया कि देखो शराब वो है मा खामर अल अकल, जो अकल को ढांप दे, अकल को ढांप दे वो शराब है, वो नशा है। इसकी तफसीर अगर आप करेंगे, हद से ज्यादा गुस्सा इंसान के अकल को ढांप देता है, वो नशा है। हद से ज्यादा इंतकाम का जज्बा, मौका मिला इंतकाम लूंगा। हद से ज्यादा दुश्मनी अदावत नफरत, इंसान के अकल में पर्दा पड़ जाता, नशा है ये। तो याद रखिए हर वो चीज जो इंसान के अकल पे हावी हो जाए और वो इंसान अदल पे बाकी ना हो, उसकी वजह से माशरे में तबाही और बर्बादी आती है, उसकी वजह से माशरा तबाही की तरफ जाता है। इसलिए कहा कि देखो इन चीजों पे कदगन लगाओ, शराब मत पियो, जुआ मत खेला करो, और इसी तरह से एक दूसरे की इज्जत आबरू की हिफाजत करो, और किसी की गिबत चुगलखोरी मत किया करो, गुस्से में अदल इंसाफ से हटो मत, नफरत और अदावत में गलत बातें किया मत किया करो, बल्कि अदल पर रहो, हक पर रहो, डटे रहो। याद रखिए इसी की वजह से माशरा पनपता है और खुशहाल रहता है। और अगर इंसान किसी भी चीज में हद से आगे बढ़ जाए, माशरा तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि तुम इन चीजों की हिफाजत करो और इन मुनशियात से दूर रहो, अकल की हिफाजत करो। अकल सलामत है तो तुम सलामत हो, अकल अगर नहीं है तो तुम बहुत दूर की गुमराही में जाके फंस जाओगे और शैतान तुम्हें आपस में लड़ाएगा। अल्लाह ने सूरह माईदा में ही पैगाम दिया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अनसाब वल अज़लाम रिज़्सुम मिन अमलिश शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदुश शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्दा फिल खम्र वल मैसिर वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाम फहल अंतुम मुंतहून। ईमान वालो तुम शराब जुआ शिर्क बिदात खुराफात जुल्म ज्यादती से दूर रहो, परहेज करो, बच जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। शैतान ये चाहता है कि इनके जरिए से तुमको हक के रास्ते से गुमराह कर दे, नमाज से दूर करे, अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे और तुम्हें गलत राहों की तरफ लेकर जाए। फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम परहेज गुरेज करोगे, क्या तुम बचोगे? इन चीजों से बच जाओ, ये शैतानी अमल है। रिज्सुम बिन अमल शैतान, गंदा है, शैतान का अमल है, इनसे तुम परहेज गुरेज किया करो। हाजरीन आखिरी बात यह है कि इंसान के दीन और ईमान की हिफाजत, इंसान के दीन और ईमान की हिफाजत। इस्लाम यह कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में दाखिल करने के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम यह कहता है कोई जिम्मी, जिम्मी है यानी गैर मुस्लिम, इस्लामी गवर्नमेंट में वीजा लेकर आया है, इस्लामी हुकूमत में वो रहता है, अगर किसी जिम्मी को गैर मुस्लिम को जिसको सिक्योरिटी फराहम की गई नाहक कोई कत्ल करता है, नबी ने फरमाया लम यरह रायहतल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा वो मुसलमान जिसने गैर मुस्लिम जिम्मी को नाहक कत्ल किया है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये इस्लाम का पैगाम है कि उसके दीन पर अमल करने का उसको इख्तियार है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। याद रखिए मेरे भाइयों, ये दीन के बारे में जब इंसान कोरा हो जाता है और उसके वजह से जब इंसान जुल्म ज्यादती पे उतर आता है, तब माशरे में तबाही और बर्बादी आती है। और जब एक दूसरे को समझे, बर्दाश्त करें, हां आप अपने दीन का प्रचार करो, हम भी आप अपने 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 दीन का प्रचार करें, जिसको जो पसंद आए वो मान ले, जबरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद्दीन, इसी में खैर है। जो मान लिया, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि नहीं आप इस मजहब में जा नहीं सकते हो, आप कन्वर्ट नहीं हो सकते,
सकते हो, ये ज्यादती है, ये जुल्म ज्यादती है। आजादी देना चाहे, इस्लाम ये कहता कि हर एक को आजादी दिया करो। इस सिलसिले में इसी में इंसानी समाज सोसाइटी माशरा पनपेगा, वरना परेशानी तकलीफ आएगी। जो देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें और बढ़ती जाएगी। और अगर सुकून चाहिए, अमन चाहिए और अमने आलम को इस्लाम का ये पैगाम आम करना चाहिए, तो मेरे आज का खुलासा यही रहा कि इस्लाम का पैगाम अमन आलम के नाम, आलम के नाम इस्लाम का पैगाम अमन है। ये पांच चीजों की हिफाजत किया करो। और इन्हीं को अगर हम खुलासे के तौर पर कहना चाहे तो कहेंगे हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, अल्लाह का हक अदा करो और बंदों का हक अदा किया करो। हर एक औलाद वालिदैन का हक अदा करे, वालिदैन औलाद के हक अदा करे, पड़ोस पड़ोसी का हक अदा करे, हाकिम महकूम का हक अदा करे, महकूम हाकिम का हक अदा करे, रिश्तेदार रिश्तेदार का हक अदा करे, मियां बीवी का हक अदा करे, बीवी मियां का हक अदा करे, उस्ताद शागिर्दों का हक अदा करे, शागिर्द उस्ताद का हक अदा करे, इंप्लॉई जो बॉस है और मैनेजर है मालिक उसका हक अदा करे, मालिक अपने इंप्लॉयज का हक अदा करे। याद रखिए अगर हर एक दूसरे का हक अदा करें हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद, माशरा पनपेगा, सुकून से रहेगा। और उसके लिए इस्लाम ने कहा, मैंने बारह इससे पहले भी कहा, उलामा ने लिखा कि सारी तालीमात इस्लामी का खुलासा अगर एक लफ्ज में, वो है अदल। अदल, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अदल है ये। अल्लाह के साथ अदल करो, अल्लाह के बंदों के साथ अदल करो। और अगर एक जुमले में कहा जाए हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद। और इनको समझने के लिए, इनको मालूम करने के लिए क्या करना है, वही इस्लाम का पहला पैगाम इकरा। आपको मैं जोड़ रहा हूं तालीमात इस्लामी का, रब्त जब्त और जो है रिलेशन कैसे बता रहा हूं। इस्लाम ने कहा इकरा पढ़ो, क्या पढ़ो, रब की तालीमात को पढ़ा करो, इन पांच चीजों का इल्म हासिल किया करो। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद सबसे पहले जब फरिश्तों ने कहा फितने फसाद मचाएगी ये मखलूक, अल्लाह ने कहा मैं इसको इल्म दूंगा। वो अल्लम आदम अलस्मा कुल्लाहा, आदम को इल्म दिया, इल्म आएगा, पढ़ोगे तो लिखोगे तो याद रखो तुम्हें मालूम होगा इस्लाम क्या है, सही तालीमात क्या है, सही चीज क्या है, और उसकी वजह से एक दूसरे के हुकूक क्या मालूम करोगे तो एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करोगे, उसी में हमारे और आपकी कामयाबी है। खुलासा कलाम ही हुआ कि इंसानी समाज को अगर सुकून चाहिए, इंसान के पांच चीजों की हिफाजत करना है, और इन पांच चीजों को अदल से एक लफ्ज में कहा गया जुमले में हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, और इनको मालूम करने के लिए इस्लाम ने कहा इकरा पढ़ो, इल्म हासिल करो तो फायदा होगा। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और सारे आलम इंसान के इंसानों को अल्लाह तबरक ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। अल्लाह तबरक ताला सारे मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू दीन व ईमान अहल अयाल की हिफाजत फरमाना। जो मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह तो उनकी परेशानियों से नजात देना। अल्लाह जो फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाना, गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमाना, उन पर रहम फरमाना और उनके लिए रास्ते निकाल देना, हर तरह की परेशानियों से नजात देना। अल्लाह तो जालिमों से काफी हो जाना, मजलूमों की दाद रसाई फरमाना, जालिमों के हाथ रोक लेना। अल्लाह तो जालिमों से काफी हो जाना, अल्लाह तो जालिमों को निमट लेना, अल्लाह तो जालिमों को देख लेना। इलाल आलमीन जो मुसलमान बे औलाद है उनके औलाद के दौलत से मालामाल फरमाना, साहिब औलाद के औलाद को नेक और सालेह बना देना। जो लोग रिश्ते के लिए परेशान हाल है खैर का जोड़ा नसीब फरमाना, जो रिश्ते टूट रहे हैं उनको बहाल फरमा देना, जो लोग बेरोजगार है रोजगारी नसीब फरमा देना, बरसरे रोजगार लोगों की रोजगारी में बरकत अता फरमा देना। अल्लाह ताला जो लोग बेघर हैं उनको घर का सहारा दे देना। अल्लाह ताला जो मरीज है उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा देना। हमारे रिश्तेदार व अकारिब जो वफात पा चुके अल्लाह तो उनकी बाल बाल मगफरत फरमाना, पसमंदागान को सबर देना, अजर देना, नेमल बदल अता फरमा देना। अल्लाह जो मांगने से रह गया अपनी शान से नवाज देना। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखना ईमान अमान के साथ रखना, खातिमा बिल खैर फरमाना, कब्र के सवालात के साबित कदमी अता फरमा के जन्नतुल फिरदाउस का आला इल्लियीन में नबी की शफात और रफाकत के साथ जगह इनायत फरमाना, और उन जैसे आमाल व ईमान की तौफीक अता फरमाना, आमीन। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।